यहाँ पे था, मेरे सामने ये सब पूरा यहाँ पे गिरा। जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था, एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी, एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जीटी हॉस्पिटल, वो भी थी उसके अंदर। और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गुज हुआ और उसके अंदर कम से कम 20 के ऊपर लोग घायल हो गए होंगे। करीब कितने बजे घटना घटी है? 7:30 के। क्या माहौल था? बहुत गाड़ियां आ जा रही थी। यहाँ पे एक टैक्सी जो थी वो एक टैक्सी के ऊपर सब मलबा गिरा, ऊपर से जो गिरा एक टैक्सी के ऊपर गिरा, एक टैक्सी पूरी उसके अंदर दब गई थी। उसको हमने सब, मेरे साथ बहुत कुछ लोग थे, वो टैक्सी को पीछे हटाया, फिर वो पूरा मलबा हमने सरकाया। जैसे ही सरका उसमें से बहुत सारे लोग हमारे से निकलते गए बाहर, और कम से कम हमने 10 लोगों को तो मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला हूँ। हमारे साथ जो कुछ कार्यकर्ता उन सब पब्लिक ने 10 लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डाला और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। उस दरमियान ही कम से कम 4-1 लोग तो यहीं पे गए होते, उनकी जान यहीं पे गई थी। ऐसे कम से कम 5 लोग यहाँ पे थे। ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद समझे गए। ये इसका जवाबदार है मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट। एल्फिस्टन रोड का जब ब्रिज गिरा तब हम वहाँ पहुँचे थे, हमने देखे थे, लाशों के ढेर लग गए थे। तब भी हमने सरकार को कहा था कि जितने भी इस तरह के मुंबई में ब्रिजेस है उसकी मरम्मत की जाए जल्दी से जल्दी, मगर सरकार के कान में जू तक नहीं रही। 35,000 करोड़ रुपये का मुंबई BMC का बजट है, ये BMC के अंडर में आता है। ये हजारों लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। 10 मरतबा सरकार को पता है कि ये हादसा हो सकता है, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। 6,000 करोड़ रुपया सरकार के पास है मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, मगर सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि लोगों की सेफ्टी की परवाह करे। तो हमारी सरकार से इस वक्त ये मांगे कि जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो म्यूनसिपल कमिश्नर हो या BMC कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे सख्त से तक और उनको सस्पेंड करे। क्योंकि बार बार सरकार को बोलने से भी कुछ नहीं हो रहा है। आज इनकी जाने चले गई, अगर किसी की और सरकार आएगी मुआवजा दे देगी, मगर जान तो वापिस नहीं आएगी। पब्लिक सेफ्टी के लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं। अब सस्पेंड करके भी क्या होगा? इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार फौरी तौर से जितने भी इस तरह के ब्रिज उसकी मरम्मत करे। ऑडिट करके रख दिया लेकिन काम क्यों नहीं किया? अब BMC ब्लेम करेगी रेलवे को, रेलवे ब्लेम करेगा BMC को, मगर इस दरमियान में जाने तो चले गए हमारे लोगों, बेकसूर लोगों। क्यों सरकार ऐसा करती है? इसलिए सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए विदाउट इंक्वायरी जो भी इसमें इन्वॉल्व है। सरकार लोगों को विश्वास नहीं दे पाएंगे। यदि सरकार गंभीरता से लोगों को विश्वास देना चाहती है तो सरकार को उन लापरवाही, जिन ऑफिसर्स ने लापरवाही दिखाई है, जिन स्ट्रक्चरल ऑडिटर्स ने कहा है कि केवल माइनर रिपेयर्स की आवश्यकता है, उनके खिलाफ जो मेरी मांग है कि अंडर IPC सेक्शन 302 विच अमाउंट्स टू मर्डर, सेक्शन IPC 302 के अनुसार एक FIR दर्ज करनी चाहिए।